ये जो वीडियो बनाई जा रही है, इसमें हम जो उसको कंप्यूटर है डॉल 339, उसके इंटरनल डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि इसका इंटरनल आईसी किस तरह का है, किस तरह लेस लगी हुई है, वर्किंग के हवाले से थोड़ा बताएंगे। ये वीडियो प्रॉपरली इसके जो इंटरनल डिज़ाइन है सिस्टम का, उसके हवाले से है। अभी ये देखें, अभी इंस्टॉलेशन चल रही है सिस्टम की। हमने रिलेस को डिज़ाइन दे दिए है, कनेक्शन कर दिए हैं, जो सेंसर्स हैं उससे कनेक्शंस कर दिए हैं। अभी इस वीडियोस में हम नेक्स्ट जो बिल्कुल फाइनल टच दे रहे हैं सिस्टम को, उसमें ये हो रहा है कि हम इसमें सप्लाई के कनेक्शन लगा रहे हैं, जो बाकी तकरीबन सारा सिस्टम हमारा तैयार हो चुका है। इसमें सिर्फ अभी एंड पे सप्लाई वाले कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। अभी इसी सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास इस जो मॉड्यूल यूज़ हो रहे हैं वो 10 रिले वाले हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 नंबर ऑफ रिलेज यूज़ हो रही हैं इसमें। इसके अलावा ये रिले सिस्टम है, इसमें 240 220 230 वोल्ट यूज़ होते हैं। और ये वाला जो रैक है, ये हमारा प्योरली इस कंट्रोल के लिए है। इसमें सेंसर लगे होते हैं, इसमें टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी, अमोनिया सेंसर इस साइड पे अटैच होते हैं, इस साइड पे रैक में, इस साइड पे टेम्परेचर सेंसर से अटैच होते हैं या दूसरे कोई और सेंसर अटैच होते हैं। इसके बाद अभी हमारे सप्लाई के कनेक्शन किए जा रहे हैं। इसमें सप्लाई में हम 220 वोल्ट न्यूट्रल प्लस सेफ्टी के लिए हम ग्राउंड की वायर यूज़ करेंगे। जैसे हम ये तकरीबन फाइनल टच किया गया, इसका ये कनेक्शन तकरीबन हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा इसको डिटेल्स में चेक करें, इसका ये वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है, इसमें हम लगाएंगे सेंसर्स और ये रिलेज लगी हुई हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा मॉड्यूल है, इसमें हमने एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाया है। इसकी भी 10 रिलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें ये होता है कि जब भी हमने कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाना होता है, एक्स्ट्रा मॉड्यूल हमें ऐड करना होता है, तो उसमें ये जो एड्रेस वाला पोर्शन है, कोई भी मॉड्यूल लगाने जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा मेन मॉड्यूल होता है कंट्रोलर का या फिर हमारे कंप्यूटर का, वो उसका जो एरर होता है वो बिल्कुल इस 0 पॉइंट पे होता है। लेकिन जैसे ही हम एक नेक्स्ट मॉड्यूल ऐड करेंगे, इसका एरो हम शिफ्ट कर देंगे 0 की बजाय 1 पे, अगर हम फर्दर मॉड्यूल ऐड करेंगे हमारा जो एरर होगा यहाँ से 2 पे आ जाएगा। इसी तरह हम 16 इसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगा सकते हैं, एक मेन मॉड्यूल के अलावा हम 16 मॉड्यूल और लगा सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा एडवांस कंट्रोल सिस्टम है। जैसे हम मॉड्यूल बढ़ाते जाएंगे हमारे नंबर ऑफ रिलेज भी बढ़ते जाएंगे। एक मॉड्यूल में हमारे पास 10 रिले यूज़ हो रही हैं। अगर हमारा सिस्टम एक्सटेंड हो गया, हमें ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना है, हमारे जो टनल है, फ़ैन है, या हमारे साइड फैन हैं, हमारे विंच मोटर्स हैं, हमारे कार्टन की मोटर्स हैं, हमारे वेरिएबल्स हैं, वो इन जो हमारे एक या दो मॉड्यूल पे पूरे नहीं आ रहे, हमारी इनपुट आउटपुट एक या दो मॉड्यूल पे हमारी एडजस्ट नहीं हो रही, हम मॉड्यूल को ऐड करते जाएंगे हमारे मतलब ज़रूरत के मुताबिक हम मॉड्यूल्स को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ रिलेज को ऐड कर लेंगे। जस्ट यही है कि हमारे आउटपुट के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा कंट्रोल होंगे इससे। ये एक थोड़ा सा मतलब शार्ट वीडियोस में बताया गया हमारा जो पॉलिटी हाउस था, जो हमारा हाउस था, उसमें हमें तकरीबन 14 से 15 रिलेज चाहिए थी, क्योंकि हमारे मेन मॉड्यूल में सिर्फ 10 रिलेज हैं, तो इस वजह से हमने एक मॉड्यूल और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, ताकि ये हमारा मेन मॉड्यूल है, इसमें एक और मॉड्यूल ऐड कर लिया, ताकि हमारे जो नंबर ऑफ रिलेज हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, वहाँ तक पहुँच सकें। इसलिए हमने नंबर ऑफ रिलेज को ऐड कर लिया। इसमें ये देखें, इसमें मोस्टली ये रिलेज यूज़ हो गई हैं हमारी, इसमें कुछ रिलेज ये भी यूज़ हो गई है, कुछ अभी खाली पड़ी हुई हैं जो हम फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं।
ये था इसके इंटरनल